दोस्तों, ध्रुव राठी का नाम आज के समय में पूरे भारत में जो भी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वे सभी जानते हैं। एक समय में ध्रुव राठी का नाम यूट्यूब पर सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि वह काफ़ी चीज़ों के बारे में विस्तार से केस स्टडी करके वीडियो बनाया और उसे लोगों तक पहुंचाया। यानी कि अपने इन्फोटेनमेंट वाले वीडियोज से वह काफ़ी पॉपुलर हुआ। दिन ब दिन उसके सब्सक्राइबर की संख्या और उसके वीडियो के व्यूज दोनों ही बढ़ने लगे। फिर पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ कि वह पत्रकारिता के नाम पर वन साइडेड प्रोपेगेंडा को पुश करने लगा और देखते ही देखते भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही सवाल खड़े करने लगा। यह उस समय तब और ज़्यादा बढ़ गया जब वह भारत के ही एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पोक्स पर्सन का काम करने लगा। आज की तारीख में ध्रुव राठी ना तो भारत में रहता है और ना ही वह यहाँ के सरकार को टैक्स देता है। इसके बावजूद भी वह भारत के आंतरिक मामलों में बढ़ चढ़ कर दखल देने लगा है। इस बात को अभी हुए स्वाति मालीवाल वाले केस में भी देखा जा सकता है और इसी वजह से अब वह दिल्ली पुलिस के निशाने पर भी आ गया है। उसके ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि उसे चाइनीज एजेंसियां फंड करती है ताकि वह भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार कर सके। अब एक शख्स जो ना तो भारत में रहता है और ना ही भारत के सरकार को टैक्स देता है, उसके ओपिनियन को भारत के लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हैं, यह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ में यह भी बताएंगे कि हरियाणा में जन्मा एक लड़का जर्मनी कैसे पहुंचा और फिर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का चेहरा कैसे बन गया। आइए सब कुछ बताते हैं आपको आज के इस कहानी में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejodjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ध्रुव राठी का जन्म 8 अक्टूबर 1994 को रोहतक हरियाणा में हुआ था। उसकी बेसिक एजुकेशन वहीं से हुई थी और फिर उनका फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गया, जिसके बाद दिल्ली से ही उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई हुई। इसके बाद वह पढ़ाई करने के लिए जर्मनी चला गया और वहां से वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। जैसे जैसे वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था वैसे वैसे उसकी दिलचस्पी वीडियो बनाने में बढ़ रही थी। उसकी शुरुआत कुछ ट्रेवल वीडियो बनाने से हुई और फिर वह इन्फोटेनमेंट की वीडियोज बनाने लगा। ध्रुव राठी को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता उसके इन्फोटेनमेंट वाली वीडियो से ही मिली, जिसके बाद वह लगातार ऐसे ही कंटेंट पर काम करने लगा। अब इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब ध्रुव राठी भारत नहीं छोड़ा था। जब वह भारत में ही था तब साल 2011 में दिल्ली में अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हुआ, जिसके बाद उसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी बनकर बाहर निकली और अरविंद केजरीवाल उसके राष्ट्रीय संयोजक बने। इस दौरान ध्रुव राठी का संपर्क भी आम आदमी पार्टी से हुआ और वह उसके साथ मिलकर उसके डिजिटल कंटेंट के लिए काम करने लगा। कुल मिलाकर आपको बताएं तो वह आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर बन गया था। इसके बाद अब वापस आज के समय में आते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली विधानसभा में दूसरी बार पावर में आ चुकी थी और पंजाब में भी उसकी सरकार बन गई थी, तो पार्टी की लोकप्रियता अब बढ़ने लगी थी। इस बीच ध्रुव राठी भी अपने कंटेंट की वजह से लगातार लोकप्रिय होते जा रहा था। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के पुराने वॉलंटियर होने की वजह से ये दोनों एक बार फिर से साथ आ गए और हर उस मुद्दे पर वीडियो बनाकर उसका निगेटिव इम्पैक्ट बताने लगे जिसे केंद्र की मोदी सरकार इंप्लीमेंट कर रही थी। धीरे धीरे यह ट्रेंड चलता गया और ध्रुव राठी को भारत के लेफ्ट विंग से भरपूर सपोर्ट भी मिलने लगा। इसकी वजह से इसके वीडियोज की रीच बढ़ी और फिर इन वीडियोज के व्यूज मिलियंस में पहुंचने लगे। ध्रुव राठी द्वारा बनाया गया हर वीडियो विपक्षी पार्टी के तमाम नेता शेयर करने लगे। देखते ही देखते ध्रुव राठी इंटरनेट सेंसेशन बन गया, लेकिन गलत वजहों से। दोस्तों, अपने देश में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसका अब सिर्फ आखिरी फेज का इलेक्शन ही बचा हुआ है जो 1 जून को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा। अब अगर आप ध्रुव राठी के YouTube चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको 3 महीना पहले के वीडियोज ऑलमोस्ट नॉन पॉलिटिकल ही मिलेंगे, जैसे कि एंड ऑफ पेटीएम, रियलिटी ऑफ फेमिनिज्म, कंजक्टिवाइटिस इन इंडिया, बजट 2024 जैसे कुछ एक्सप्लेनर और इन्फोटेनमेंट के वीडियोज। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव अनाउंस होता है वैसे ही ध्रुव राठी किसी स्लीपर सेल की तरह एक्टिवेट हो जाता है।
सबसे पहले तो उसका एक डिक्टेटर नाम से वीडियो आता है, जिसमें उसके अनुसार पीएम मोदी का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वह एक तानाशाह की तरह देश को चला रहा है। उस वीडियो में कही गई एक एक बात को इस तरह से ट्विस्ट किया गया है जैसे कि यह अभी के समय में हो रहा है, मतलब कि वह सिर्फ संभावनाओं के ऊपर ही पूरा का पूरा कॉन्टेंट तैयार कर दिया और विपक्षी पार्टी के सभी बड़े नेता उस वीडियो का लिंक तमाम सोशल साइट्स पर शेयर करने लगे। इसके बाद एक एक करके ध्रुव राठी ने लगातार पॉलिटिकल वीडियोज बनाने शुरू कर दिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार की आलोचना के अलावा कुछ भी नहीं था। ध्रुव राठी को अगर देश की जनता तक सब सच ही पहुंचाना होता तो वह दिल्ली के फेमस शराब घोटाले की भी वीडियो बनाता, झारखंड में कांग्रेस के नेता के घर से मिले नोटों के अंबार पर भी वीडियो बनाता, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक कितना फ्लॉप या हिट रहा है उसके बारे में भी वीडियो बनाता, केजरीवाल के फ्री पानी का जनता कितना और क्या इस्तेमाल कर रही है इसके बारे में भी वीडियो बनाता, यमुना नदी के हालात पर भी वह वीडियो बनाता और आखिर में अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर हुए उसी की पार्टी के राज्यसभा की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए मारपीट की घटना के ऊपर एक पूरा एक्सप्लेनर वीडियो बनाता। लेकिन ध्रुव राठी ने यह सब नहीं किया क्योंकि यह उसके एजेंडे को शूट नहीं कर रहा था। ध्रुव राठी को सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाने में महारत हासिल है जिसमें वह जबरदस्ती फैक्ट्स को ट्विस्ट करके मौजूदा सरकार की आलोचना कर सके। अभी हाल में हुए स्वाति मालीवाल वाले केस को लेकर ध्रुव राठी दिल्ली पुलिस के निशाने पर भी आ गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ध्रुव राठी ने जर्मनी की नागरिकता हासिल कर ली है। इसके साथ ही एजेंसियों को यह भी जानकारी मिल रही है कि इस यूट्यूबर को चीन की एजेंसियां भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए मोटी रकम दे रही है। भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में भी यूट्यूबर ध्रुव राठी जर्मनी में बैठकर दखल अंदाजी कर रहा है। जांच एजेंसियों के पास भारत के खिलाफ भ्रामक पोस्ट करने के कई सबूत भी मिल चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की नज़र इस यूट्यूबर पर टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से इसके किस तरह के संबंध है इसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। इन जांच के बाद क्या सच्चाई बाहर आती है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद ध्रुव राठी के कहे हुए बातों को कितना सीरियसली लेना है या नहीं लेना है यह पूरी तरह से आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लो ये फिर से आगे अपना हाफ बेक ट्रूथ दिखाने। एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है? एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीज पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? अगर इस बंदे ने सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पढ़ लिया होता तो उसे ये साफ साफ पता चल जाता कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर खर्चा करने की कोई लिमिट नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा के लिए, अपनी रैलीज पर, अपने कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए चाहे जितना खर्चा कर सकती है। लेकिन इस बंदे को क्या करना है? हाफ बेक ट्रूथ दिखाना है ताकि लोग इजीली इसको पकड़ ना पाए। एक होता है झूठ बोलना, जिसको पकड़ सकते हो, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कनिंग होते हैं और इसी तरीके से अपना प्रोपोगेंडा आगे प्रोपोगेट करते हैं। खैर, डेमोक्रेसी के पांचों पिलर से और आप क्या ही एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो? ये इंसान खुद बोलता है कि आप किसी भी न्यूज पर ऐसे ब्लेटेंटली बिलीव मत करो, जाके खुद फैक्ट चेक करो। लो, कर दिया फैक्ट चेक आपकी वीडियो के ऊपर। आप कितने न्यूट्रल है इससे साफ पता चल जाता है। खैर, आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन आपके चमचों को समझाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जय हिंद। तो दोस्तों, यही थी ध्रुव राठी की पूरी और असली कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।